सिर्फ 30 दिन में क्या हम इस तरह की हाइपर पिगमेंटेशन, इस तरह के डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्पॉट्स को फेड कर सकते हैं? वेल 100% कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी, नाउ अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। और आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी सुबह और शाम का रूटीन, हाइपर पिगमेंटेशन, टू टोन स्किन, सन टैन, सन डैमेज, एक्ने स्पॉट्स, डार्क एक्ने स्पॉट्स, इन चीजों के लिए। ये याद रखें कि ये रूटीन सिर्फ इन प्रॉब्लम्स के लिए है, मिलाजमा पे ये रूटीन काम नहीं करेगी। उसके लिए अलग वीडियो दी है जो यहाँ लिंक्ड है। अब आते हैं सीधा वीडियो पर मैं बता दूं कि सितंबर का गिव अवे खत्म होने वाला है। 30th September को अनाउंस होंगे विनर्स। 2 लकी सब्सक्राइबर्स जीतेंगे 10,000 रुपीज या 500 दिरहम्स के स्किन केयर बॉक्सेस। तो अगर आप अभी भी चैनल से जुड़े हैं, इफ यू आर अ न्यू व्यूअर, इस वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के दौरान जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे उसके आंसर्स जरूर मुझे कमेंट्स में दें, और जाके सितंबर की सारी वीडियोस देखें ताकि आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकें। नाउ लेट्स गेट इनटू द रूटीन। अब सीधा आ जाते हैं मॉर्निंग रूटीन में। मॉर्निंग रूटीन में आपको फेस जरूर धोना है क्लेंजर से, ब्रश करने के बाद। कौन सा क्लेंजर कौन से स्किन टाइप के लिए है उसके लिए अलग वीडियोस हैं, लिंक कर दूंगी, वो देख लीजिएगा। क्लेंजर के बाद स्टेप नंबर 2 में आता है आपका विटामिन सी सीरम। अब विटामिन सी सीरम आप कोई भी यूज नहीं करेंगे, आपको चाहिए एक विटामिन सी सीरम जिसमें कम से कम 15-20% अस्कॉर्बिक एसिड के किसी भी फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन हो। मैं अपने रिकमेंडेशन स्क्रीन पे दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। बट जो भी विटामिन सी सीरम ब्रांड आप यूज करें, याद रखें कि उसमें 15-20% कॉन्सेंट्रेशन विटामिन सी की होनी चाहिए। अगर किसी विटामिन सी सीरम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी गई है तो प्लीज उसे यूज ना करें। 2-3 ड्रॉप विटामिन सी सीरम आप लगाएंगे अपने पूरे चेहरे पर, और उसके बाद आप लगाएंगे अल्फा आर्बुटिन सीरम। अल्फा आर्बुटिन सीरम आपको ऑर्डिनरी में, इनकी लिस्ट में, मिनिमलिस्ट में, केमिस्ट एट प्ले में, इन सारे ब्रांड्स में आराम से मिल जाता है। 2% अल्फा आर्बुटिन सीरम, ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, ये लगाएंगे आप विटामिन सी सीरम लगाने के बाद। और काफी लोग अल्फा आर्बुटिन को स्किप कर देते हैं कि हम विटामिन सी तो लगा रहे हैं, उसी से काम चल जाएगा। लेकिन हाइपोपिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स पे अल्फा आर्बुटिन के बिना काम नहीं बनता है। तो स्टेप नंबर 1 विटामिन सी, स्टेप नंबर 2 अल्फा आर्बुटिन। इसके बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है तो डेफिनेटली एक मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, एंड उसके बाद लगाएं अपना सनस्क्रीन। एंड अगर आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली टाइप है तो डायरेक्टली अपना सनस्क्रीन लगाएं। बहुत सारे सनस्क्रीन्स हैं मार्केट्स में, लेकिन जो आसानी से सबको मिल जाता है हर जगह, वो है लॉरियल का यूवी डिफेंडर। एक पूरी रेंज है जिसमें 3 टाइप के सनस्क्रीन्स हैं, मॉइस्चर फ्रेश जो है ड्राई और नॉर्मल स्किन के लिए, इंस्टेंट ब्राइट जो है जिसमें नियासिनमाइड है जो है डार्क स्पॉट्स उस टाइप की स्किन के लिए, और तीसरा शाइन कंट्रोल जो है ऑयली स्किन के लिए। तो अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं एक सनस्क्रीन, एंड सनस्क्रीन को जरूर लगाएं। अब यहाँ आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सनस्क्रीन आपको हर 2-3 घंटे में रीअप्लाई करना है। अगर आप सारा टाइम घर के अंदर रहते हैं तो आपको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप ऑफिस जाते हैं, बाहर काम करते हैं, आपका थोड़ा भी बाहर जाना होता है तो 100% आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना है। अगर आप एक आदमी हैं तो आपके लिए आसान है क्योंकि होपफुली आपने मेकअप नहीं पहना होगा। बट इफ़ यूर अ वुमन, आप सनस्क्रीन स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करती हूँ ला रोशे पोजे या विशी। आप सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लैक में भी आता है, शिशेडो में भी है। इन दो चीज़ों के थ्रू आप अपने सनस्क्रीन को टच अप कर सकते हैं थ्रू आउट द डे, एंड ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली इफ़ यू हैव हाइपरपिगमेंटेशन। एम रूटीन के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप प्रेग्नेंट या नर्सिंग मदर हैं तो अल्फा आर्बुटिन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए विटामिन सी जो सेफ है उसके बाद आप लगाएंगे एज़लिक एसिड। एज़लिक एसिड सस्पेंशन आता है ऑर्डिनरी में 10% एज़लिक एसिड, या फिर अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, GCC कंट्रीज में रहते हैं तो यहाँ मिल जाती है स्किनोरन क्रीम जो है 20% एज़लिक एसिड। ये मिल जाएगी आपको फार्मेसी से, तो उसकी जगह आप ये लगा सकते हैं। एज़लिक एसिड अलग अलग कंट्रीज में, फार्मेसीज में अलग अलग नामों से मिलती है। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, 300 रुपीज में मिलने वाला फार्मेसी स्किन केयर जो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, उसे देख लीजिए। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे क्रीम्स के नाम और लिंक्स दिए हुए हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में ब्रांड नेम चेंज हो जाता है। तो मॉर्निंग का रूटीन क्लियर होगा, विटामिन सी अल्फा आर्बुटिन, प्रेग्नेंट या नर्सिंग है तो विटामिन सी और एज़लिक एसिड। रात के रूटीन में सबसे पहले बात करते हैं सेरम्स की। नाउ एक सेरम जो आपको रोज रात को लगाना है वो है नियासिनमाइड। नियासिनमाइड एक ब्राइटनिंग सेरम है, वर्क करता है हर स्किन टाइप पे, और ये प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग लेडीज के लिए भी बिल्कुल सेफ है।
Niacinamide ordinary का बहुत अच्छा है लेकिन वो काफी स्किन टाइप्स को इरिटेट कर देता है, इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ इंकीलिस का Niacinamide, केमिस्ट एट प्ले, या फिर आप ले सकते हैं बूट्स का या किसी और ब्रांड का जो काफी जेंटली फॉर्मुलेटेड होते हैं। तो रात को चेहरा डबल क्लेंस करने के बाद Niacinamide आप 100% लगाएंगे, 1 से 2 ड्रॉप्स इनफ है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट्स पे। मैं आपको 2 ट्रीटमेंट्स रेकमेंड कर रही हूँ। नंबर 1 एज़लिक एसिड, जो है आपका स्किनोरिन क्रीम या किसी भी और ब्रांड नेम से आप लेंगे, ये आप यूज़ करेंगे हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार, लेकिन अल्टरनेट डेज पे। तो जैसे आपने यूज़ किया मंडे, वेंसडे और थर्सडे को आप यूज़ करेंगे एज़लिक एसिड क्रीम। अब ये याद रखें कि ये क्रीम एक ट्रीटमेंट है, ये एक ऐसी मॉइस्चराइजर नहीं है जो पूरे चेहरे पर आराम से मल सकते हैं, ये एक ट्रीटमेंट है, इसलिए इसको आपको लेना है सिर्फ पी साइज अमाउंट, चेहरे पे डॉट करना है, उसके बाद हल्के हाथों से स्मूथ ओवर करना है पूरे चेहरे पे। तो ये हो गई आपकी एज़लिक एसिड की ट्रीटमेंट जो आप लगाएंगे हफ्ते में 3 बार। इसके बाद आपको 100% एक नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ड्राइंग होती है स्किन के लिए। सो एज़लिक एसिड के बाद आप अपनी नाइट क्रीम लगा सकते हैं, रेटिनॉल अवॉइड करें क्योंकि रेटिनॉल भी स्ट्रांग होता है तो क्लैश कर सकता है, बट कोई भी ऐसी क्रीम जिसमें नहीं हो, सेराफिल, सेरावी, नाइट क्रीम्स जो भी होती हैं आप कोई भी लगा सकते हैं नाइट क्रीम एज़लिक एसिड के बाद। तो ये आप करेंगे हफ्ते में 3 बार, जैसे कि मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, या फिर संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, इस तरह से आप एक रूटीन बना लें। बाकी 3 रातों में हफ्ते में आप यूज करेंगे एक और ट्रीटमेंट क्रीम जिसका नाम है डीम क्लीन। इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन और कोजिक एसिड, ये एक ब्राइटनिंग फॉर्मूला है। इसे भी आपको पी साइज अमाउंट यूज करना है, पूरे चेहरे पे लगाना है और उसके बाद अपनी नाइट क्रीम लगानी है। नाउ डीम क्लीन जो है एक इंडियन क्रीम है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएगा, इंडिया में भी मिल जाएगा, यूएई में आपको ये मिलेगा अमेज़न पे, बट काफी एक्सपेंसिव है। इंडिया में इसकी कीमत कुछ 200-250 रुपए है। सो अगर आप इंडिया से कोई आ रहा है या आप मंगवा सकते हैं तो आप इसकी कुछ ट्यूब्स इंडिया से मंगवा लें, अदरवाइज यू कैन गेट इट ऑन Amazon। दिस इज फैंटास्टिक फॉर ब्राइटनिंग डार्क स्पॉट्स। जिस तरह के एक्ने के डार्क स्पॉट्स होते हैं, ये उसे बहुत अच्छे से विद इन वीक्स लाइटन करना शुरू कर देता है। इट इज़ अ फैंटास्टिक फॉर्मूला। अगर किसी भी रीजन से आपको डीम क्लीन नहीं मिलती है तो हफ्ते में 3 बार आप लगाएंगे कॉम्बिनेशन ट्रांसमिक एसिड और रेटिनॉल का, वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। ट्रांसमिक एसिड आता है इंकी लिस्ट में, मिनिमलिस्ट में, बहुत सारे ब्रांड्स में आता है, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप लगाएंगे रेटिनॉल। फर्स्ट टाइम रेटिनॉल यूजर्स हैं तो जैसे मैंने हमेशा कहा, शुरू करेंगे रेटिनॉल बेस्ड क्रीम से, डायरेक्टली ट्रेटिनॉइड नहीं लगाएंगे। जब आपकी स्किन यूज टू हो जाएगी देन यू कैन मूव टू समथिंग स्ट्रॉन्गर लाइक ट्रेटिनॉइड। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप शुरुआत करेंगे रेटिनॉल बेस्ड क्रीम से और उसके साथ लगाएंगे ट्रांसमिक एसिड। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी जेंटल और सेफ होता है। तो ये हो गया आपका पूरे हफ्ते का रूटीन। एक दिन मैंने ब्रेक दी है जब आपके स्किन पे कोई एक्टिव्स नहीं लगेंगे एंड दैट इज़ जस्ट गुड फॉर योर स्किन। तो आप उस दिन सिर्फ अपना फेस वॉश करके अपनी नाइट क्रीम लगाएंगे एंड आप अपने स्किन को ब्रेक देंगे। सो हफ्ते में 3 बार एज़लिक एसिड सस्पेंशन और हफ्ते में 2 बार डीम क्लीन क्रीम, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला है। तो ये रूटीन आप फॉलो करेंगे। अगर आपने ये सारी चीजें इंक्लूडिंग द मॉर्निंग रूटीन, ये अगर आपने सुबह और शाम किया, आई कैन टेल यू, यू कैन टेक बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स एंड आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। जब आप अपने स्किन पे इस तरह से काम शुरू करते हैं, मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ कि फोटोग्राफ्स लें और एक ही जगह, एक ही टाइम पे एक तरह की लाइट में लें, क्योंकि अगर आपने सुबह पिक्चर ली तो स्किन लाइट लग रही है, बाहर की लाइट आ रही है, रात को ली तो फिर डार्क लग रही है, फिर आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक ही टाइम पे एक ही लाइट सेटिंग में अपनी पिक्चर्स लें, शुरू से लेके जिस दिन आपने ये रूटीन शुरू किया है इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ टिल द एंड, एंड यू विल डेफिनेटली सी अ गुड रिजल्ट। मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स भेजे हैं जहां मैं खुद इसका रिजल्ट देख सकती हूँ। बट अब मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी चीज, ये जो रूटीन है ये अगर आप एक साथ पूरा शुरू करेंगे तो स्किन इरिटेट हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि शुरुआत करें, एक एक प्रोडक्ट को धीरे धीरे ऐड करें। तो अगर विटामिन सी ऐड कर लिया है अपने अपने रूटीन में, उससे शुरुआत करी है, स्किन को सेटल होने दें, फिर ऐड करें अल्फा आर्बुटिन। कोई इरिटेशन नहीं हो रही है तो पीएम रूटीन में फिर इंक्लूड करें एज़लिक एसिड, उसके साथ स्किन शुरू सेटल हो गई है, फिर डीम क्लीन क्रीम। सब कुछ एक साथ करेंगे तो एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं और जो आप अचीव करना चाह रहे हैं उसका उल्टा हो सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। हैविंग सेड दैट, जिस टाइम आप ये पूरा रूटीन एक साथ एक महीने तक 30 डेज के लिए फॉलो करेंगे, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स।
सो ये था आज का वीडियो, शॉर्ट वीडियो है. आई होप आपने स्क्रीन पे आने वाले क्वेश्चंस को देखा होगा. उन क्वेश्चंस को देख लें, उनके जवाब मुझे कमेंट्स में दें. 30th सितंबर को फाइनल विनर्स अनाउंस होंगे, जब मैं वीडियो भी अपलोड करूंगी. एंड फाइनली मैं आपके लिए यहाँ पे लिंक कर दूंगी हाउ टू स्किन केयर की प्लेलिस्ट, जिसमें आपके काफ़ी सारे नॉर्मल स्किन केयर क्वेश्चंस आंसर्ड होंगे. सो अंटिल टेक नेक्स्ट टाइम, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ. चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और मैं आपसे मिलूंगी अगली बार. टेक ग्रेट केयर.